विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर हम 9 को 2 से भाग देते हैं, 2 को इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार मिल जाएगी? 4 बार मिल जाएगा। 2 चौक 8 और 1 क्या आ जाएगा आपका? शेषफल। ठीक है ना, क्या आ गया? शेषफल। तो अगर हम इसको देखें तो ये 9 कैसे आया? अगर हम इस चीज से 9 को निकालें तो ये आएगा 9 बराबर 2 चौक 8, मतलब 2 × 4 और प्लस 1, ये शेषफल। अब ये देखिए, 2 चौक 8 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अगर हम यहाँ पर इससे कंपेयर करते हैं तो ये 9 आपका क्या हो गया? ये आपका भाज्य हो गया। ठीक है ना, बराबर 2 क्या हो गया आपका? भाजक हो गया, भाजक, फिर इनटू भागफल 4। ठीक है ना, भागफल प्लस शेषफल। एक क्या है आपका? शेषफल। ठीक है, तो समझ आ गई विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अभी हमने पढ़ा था एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है पीएक्स को जीएक्स से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। पीएक्स को, ये हमारा पीएक्स दे रखा है, ये पीएक्स है, इसको जीएक्स से भाग देना है और हमें फाइंड करना है अपना क्या? भागफल और शेषफल। ठीक है, देखिए नॉर्मली एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे हमें भाग देना है। किसको देना है? इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है ना, इसको भाग कैसे लेंगे? देखिए हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है x³, इसको काटना। इसको कैसे काटेंगे? इस x² में हम क्या गुणा करें कि ये हमारा x³ आ जाए? तो x² में हम किसकी गुणा कर सकते हैं? x² में अगर हम केवल x की गुणा करेंगे, किसकी गुणा करेंगे? x की। तो x की जब हमने इसमें गुणा करी तो क्या आएगा? ये x² इंटू x, क्या आ गया? x³। ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारा? x³। नेक्स्ट, अब अगर हमने x की इसमें गुणा करी तो हमें इसमें भी करनी पड़ेगी। तो x की जब हम -2 में करेंगे तो क्या आएगा? -2x। क्या आएगा? -2x। तो हमेशा याद रखिए जो भी दे रखा है उसके नीचे ही लिखना है। जैसे x³ आया तो हमने ये x³ के नीचे लिखा। अब हमारा क्या आया? x की जब हमने -2 से मल्टीप्लाई करी आया -2x। तो -2x को भी हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर ही लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, अगर x² आता तो हम x² के नीचे लिखते, और अभी हमारा क्या आया? x आया तो हम x के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको ये काटना है। ये देखिए, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो ये क्या होगा? प्लस का, ये वाला प्लस का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और ये माइनस का जो है इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो x³ ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा हमारा? ये बचा। अब देखिए जो हमारा ये माइनस का साइन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ अब जो ये जो साइन चेंज हुआ है इससे मतलब है। प्लस का 5x प्लस का 2x, ये कितना आ जाएगा? 7x। कितना आ गया? 7x। इसका आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। -3x², इसको नोट उतार लेंगे, -x². दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो माइनस का साइन है, अगर यहां पर माइनस साइन लगा है तो आपको यहां पर भी माइनस साइन ही लेना है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि हमें क्या काटना है, क्या लेकर आना है? 3x². तो इस ये जो x² दे रखा है, ये वाला जो x² है, इसमें हम किससे गुणा करें कि 3x² आ जाए? x² में किससे गुणा करें कि 3x² आ जाए? तो देखो x² तो ऑलरेडी है ही, ठीक है ना, क्या लेकर आना है? केवल 3। तो हमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। मतलब कि हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई करी? -3 से। तो
जब माइनस थ्री से हमने मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और माइन तीन दूनी छ, मतलब कि प्लस का क्या आएगा, सिक्स आएगा, क्या आएगा, प्लस का सिक्स, ठीक है ना, तीन दूनी छ, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला तो माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पर केवल सिक्स आया, तो हमने ये संख्या के नीचे संख्या लिख लेंगे, तो ये वाला माइनस थ्री हमने उतार लिया यहाँ पर। अब देखते हैं उसके बाद में क्या करना रहता है, साइन चेंज करना होता है, माइनस का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये प्लस का है इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो कट गया आपका, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा मेन मकसद क्या रहता है, इसको काटना रहता है। ये क्या बचा, प्लस का सेवन एक्स बचा और माइनस का क्या हुआ, ये नाइन, ठीक है ना, प्लस का सेवन एक्स माइनस नाइन, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है ना। और ये जो हमारा है, ये जो आया हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया, क्या आ गया हमारा, ठीक है। चलिए बाकी का ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन दो क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है, और बाकी का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि इस वाले पद से इसको भाग देना है और देखना है कि क्या ये वाला पद इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो क्या होगा, ये इसका एक गुणनखंड होगा, ये वाली संख्या इसकी गुणनखंड होगी, वरना नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 2t^4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, इसको हमें भाग देना है टी स्क्वायर माइनस थ्री से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये 2t^4 है, ठीक है, तो टी स्क्वायर की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पर देखो 2t^4 लेकर आना है, इसको काटना है तो देखो यहाँ पर 2 नहीं है, पहली बात तो 2 लाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर t की पावर कितनी है 4, यहाँ पर t की पावर कितनी है 2, कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, t^2 से, ठीक है ना। तो 2t² की जब हम t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × t² और t² कितना हो जाएगा, t^4, ठीक है। अब 2t² की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस 3 से, तो ये कितना आएगा, 3 दुनी 6, और ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 6, टी स्क्वायर बचा तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए संख्याएं सेम है और साइन डिफरेंट है, इधर प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 6t² में से 2t² घटाएंगे तो ये आएगा आपका 4t², क्या आ गया, 4t², प्लस माइनस माइनस, ठीक है, घटा दिया हमने, मगर बड़ी संख्या पे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। ये आपका t³ बचा था, प्लस का 3t³ माइनस का 9t, ठीक है। अब हमें क्या लेके आना है, 3t³ लाना है, इसको काटना है ना, तो इसको कैसे काटेंगे, इस t² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3t³ बन जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, t² है, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर कितना है, t³ है, कितने t की कमी है, एक t की कमी है, 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हमें एक 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस, तो यहाँ पर कैसा साइन लेंगे, प्लस 3, ठीक है ना, और यहाँ पर एक t, मतलब 3t, तो ये हो जाएगा आपका 3t³
क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3t क्यूब प्लस 3t की मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 3 की 3 से करेंगे 9t, क्या आ गया 9t। अब देखिए साइन फिर से चेंज करेंगे, इधर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो 4t स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 12, माइनस का 12 क्या आया 40 माइनस 12। अब देखिए ये टी स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर हो जाए, तो देखो टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पर, केवल 4 की कमी है और 4 के आगे साइन कैसा लगा प्लस का, तो हमें प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4t की स्क्वायर, तो 4 की जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4t स्क्वायर, ये प्लस का 4 ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 की 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये प्लस का साइन था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है शेषफल बचा क्या आपका 0, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं बचा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो टी स्क्वायर माइनस 3 है वह 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और यही अगर आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचता, अगर शेषफल आपका कुछ भी बच जाता तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होता, ठीक है समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। इनके बाकी जो क्वेश्चन है मैं अभी आपके लिए नोट करवा देता हूँ, आपके लिए वो करना है और बढ़िया से रिवीजन करना है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 3 क्वेश्चन थे 1, 2 और 3 वो आपके कंप्लीट हो गए, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो था, ठीक है, इसमें से फर्स्ट वाला मैंने करा दिया, इसका फर्स्ट मैंने करा दिया, ये सेकंड और सेकंड थर्ड और इससे पहले भी आपके जो दे रखे हैं क्वेश्चन वो, इन सभी क्वेश्चन को करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है।